एक ऐसी न्यू लोन ऐप जो आपको घर बैठे 1,20,000 तक की क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देगी। ओनली आधार कार्ड, पैन कार्ड पे, कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सिविल की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का बैंक का स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप नहीं देनी है। बहुत ही कम ब्याज पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लगभग इसको 1 से 1.5 महीना हो गया और इसके अगर आप डाउनलोड की बात करेंगे तो आप यहाँ प्ले स्टोर पे चेक करेंगे, इसके 1,00,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और रेटिंग भी 3.9 की है, लगभग 4 की रेटिंग मिली हुई है। तो इसने बहुत कम समय में अपना अच्छा खासा बिजनेस मार्केट में फैला लिया है। ठीक है, अब यहां से लोगों को लोन मिल रहा है तभी लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं। और मेरे सब्सक्राइबर ने इसका एक स्क्रीनशॉट भेजा कि सर मुझे यहां से कुछ लोन मिला है, इस लोन के बारे में पूरा रिव्यू करिए, क्या ये लोन ऐप सही है, इससे लोन लेना सही रहेगा या कैसा रहेगा। तो आज मैं इसी के बारे में आपको भी जानकारी दूंगा। ये जो लोन ऐप है प्ले स्टोर पे मौजूद है, 1,20,000 तक की आपको यहाँ पे जो है लोन प्रोवाइड कर देगी। अब वो आपके ऊपर डिसाइड है कि आप 1,20,000 रुपए पूरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लो या आप 10,000 रुपए खर्च करो या 20,000 रुपए खर्च करो। अब बाकी ये भी तो है, आपके सिविल और प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिमिट अप्रूव कितनी हो रही है। मैक्सिमम लिमिट 1,20,000 की है। तो सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा कौन सी ऐप है, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे अगर आपको यहाँ से लोन लेना है तो आपके लिए सही रहेगा, सस्ता रहेगा, महंगा रहेगा, बेकार रहेगा, जो भी होगा अपनी मैं राय भी दूंगा। चलिए इस लोन ऐप के आ रहे पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता हूं। उससे पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर लिंक क्या होगी @vinaylb0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। हर बात मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, लोन ऐप कोई भी हो, जब लोन ले जब समय से चुका सके। अगर आप समय से नहीं चुका सकते बिल्कुल भी मत लें। अगर 2-3 दिन भी लेट हो गए तो ये लोग कॉल करना, परेशान करना शुरू कर देते हैं। गंभीरता को समझो बात की, समझे, क्योंकि ये आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं इमरजेंसी नीडो तो ही लोन ले, समय से चुका सके तो ही लोन ले। ठीक है, तो चलिए आपको मैं उस लोन ऐप के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता हूं वो कौन सी ऐप है, ताकि आपके सामने एक सच्चाई सामने आ सके कि ये सही है कि गलत है, कि या तो नहीं किसी फेक के चक्कर में पड़ गए हम। ठीक है ना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर को यहाँ से लोन मिला है। और ऐसा ना हो कि भैया आप भी किसी फर्जी के शिकार हो जाओ, अगर फर्जी निकली तो, अगर रियल है तो अच्छी बात है, आप ही के सामने सब कुछ लाइव बताने वाला। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे, मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूं नाम नहीं बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों ये बोलते हैं कि मिनिमम 1,500 रुपए से लेके 1,20,000 तक का आपको एक क्रेडिट लाइन दे दी जाती है। अब आप चाहो उसमें से कितना पैसा खर्च करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेनल टाइम की बात करें, मिनिमम 3 महीने, अधिकतम 365 दिन, यानी 1 साल के लिए आपको यहाँ पे टाइम दे दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें, मिनिमम 80 रुपए और मैक्सिमम 2,000 रुपए तक का आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह लग जाती है। जीएसटी भी आपको साथ में देनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फीस जो लगती है उस पर आपको 18% की जीएसटी भी लगेगी। ऊपर एक एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए आपको 36,000 की लिमिट मिलती है, आपको 6,000 रुपए की जरूरत है, आप 6,000 रुपए खर्च कर लीजिए, तो आप जितना पैसा खर्च करोगे, जितना यूज करोगे उतने भी आपको यहाँ इंटरेस्ट वगैरह लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि बाकी के जो रुपए बचे हुए उन पे भी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना पैसा खर्च करोगे उसी पे आपको यहाँ पे जो है इंटरेस्ट वगैरह या जो भी जो ईएमआई बनेगी सब उसी पे बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर 6,000 रुपए खर्च करते हो तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जब 4 महीने में आपको टोटल जो रिपेमेंट करना है 6,478 रुपए, 6,500 रुपए मान के चलिए टोटल रिपेमेंट करना है, मतलब आपको 4 महीने का 500 रुपए लग रहा है। तो इस हिसाब से तो यह बहुत बढ़िया है। अब हम इसकी बात करें, देखिए इसकी कोई एनबीएफसी के बारे में, देखिए देखो यहाँ पे मैंने चेक किया है तो मुझे इसकी कोई एनबीएफसी के बारे में जहां खास जानकारी नहीं मिली है। खैर इसकी वेबसाइट पे चेक कर लेंगे क्योंकि न्यू ऐप है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड देना, आधार कार्ड देना है और आपको अपनी सेल्फी देनी है, 18 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई इजिबिलिटी। इसको इंस्टॉल करके आप सारे काम कर सकते हैं जैसा आपको अप्लाई करना होता है, और ऐप से वैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यानी कि इसकी मेल आईडी चेक कर सकते हैं, amp.creditservice.info, मतलब जो ऐप का नाम है मैं बात कर रहा हूँ, amp.creditlines of credit, मतलब ठीक है। और ये इसकी कंपनी के नाम है रेडिकाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, 1,00,000 डाउनलोड्स हैं, आप चेक कर सकते हो, 3.9 की रेटिंग है। अब आप खुद चेक लीजिए, मैं प्ले स्टोर पे दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और दिखा रहा हूँ। देखिए मैं एएमपी क्रेडिट सर्च करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये प्ले स्टोर का ही दिखा रहा हूँ, कोई वेबसाइट नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपके मन में आ रहा होगा ये तो यार रियल ऐप होगी क्योंकि यार प्ले स्टोर पर है इसलिए रियल है, क्योंकि फर्जी ऐप तो प्ले स्टोर पर है नहीं। बिल्कुल सही बात है, ये रियल ही है, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी और जांच पड़ताल करूंगा तभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मेल आईडी भी इसे खुद के डोमेन से। इसकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च कर लेते हैं, मैंने गूगल पे डाला एएमपी क्रेडिट लोन ऐप, तो यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन मुझे इसकी कोई भी ऐसी लीगल वेबसाइट नहीं मिल रही जिससे मैं ये कह पाऊँ कि हाँ यार ये रियल ऐप है। तो दोस्तों ये टोटल फेक ऐप है, इसके ऐड भी आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखे होंगे। ठीक है, आपने इसके जरूर ऐड देखे होंगे, आपने फेसबुक पे जरूर देखे होंगे, नहीं तो मैंने तो देखे ही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ऐप को इंस्टॉल मत करना, और इंस्टॉल करके देख लेना ये फर्जी ऐप निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये आधार कार्ड पैन कार्ड को वेरीफाई नहीं कराएंगे, ये आधार कार्ड को ओटीपी जो आता है ना जैसे, वो सब कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है, केवल आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो क्लिक करवा लेंगे। तो ये फर्जी ऐप है। अब आप सोच रहे होंगे यार फर्जी है तो 300 रुपए कैसे आ गए? दोस्तों इन्होंने कोई ऐसी एनबीएफसी को पैसा खिलाया है, उसके लाइसेंस का यूज कर रहे हैं, मतलब पैसा खिला दिया और उसका लाइसेंस ले लिया, उसके डॉक्यूमेंट ले लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स को दिखा के ये प्ले स्टोर पे आ गई है। टोटल फर्जी ऐप है, चक्कर मत पड़ जाना। बहुत ही कम समय में इसने 1 लाख प्लस डाउनलोड कर लिए। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्ले स्टोर पे कब आई है। दोस्तों ये प्ले स्टोर पे डाली तो गई है 29 नवंबर को, मान के चलिए 1-1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने में इसने जो 1 लाख प्लस डाउनलोड कर लिए और 22 दिसंबर को लास्ट अपडेट भी हुआ है, मतलब 20 दिन हो चुके हैं अपडेट हुए। तो ये जो एप्लीकेशन है इसके चक्कर में नहीं पड़ना, टोटली फ्रॉड ऐप है। इसके बहुत सारे ऐड आ रहे हैं और प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, तो बहुत से लोग विश्वास में इसको डाउनलोड कर लेंगे और फंस जाएंगे। तो मेरा काम यह है इन्फॉर्मेशन देना कि इस ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना। ये कोई भी आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव नहीं है, मतलब एनबीएफसी अप्रूव्ड है लेकिन वो ऐसी एनबीएफसी है जिसे कोई भी खरीद सकता है। आप भी खरीद के अपना काम चला सकते हो उसको, डॉक्यूमेंट का यूज करके प्ले स्टोर पे टिकी हुई है, ठीक है। उन्होंने इनकी औकात नहीं थी कि ये प्ले स्टोर पे टिक जाए। अब प्ले स्टोर को तो डॉक्यूमेंट मिलना सही वाले, अब उसे क्या पता है कि ये गलत काम कर रही, अच्छा काम कर रही है, ठीक है, वो तो बात की बात है। तो एएमपी के टोटल फर्जी ऐप है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करके आप चेक कर लीजिएगा, एक दूसरा फोन लीजिएगा बिल्कुल बेकार फोन हो, उसमें डाउनलोड करना और चेक करना क्या आधार कार्ड का ओटीपी आ रहा है नहीं आ रहा, आधार कार्ड के ओटीपी को वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है तो मान सकते हैं रियल है, अगर नहीं कर रहा टोटली समझ लो फ्रॉड है। वैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया नहीं है लेकिन मुझे पता है, देखने से लग रहा है कि टोटल फ्रॉड ऐप है। उम्मीद आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर हाँ फर्जी तरीके से लूटना चाह रहे हो तो आप दूसरे फोन में ट्राई करना, अगर ओटीपी आ रहा है तो छोड़ देना, तो ये रियल होगी, ठीक है। ओटीपी आ रहा है समझ लो रियल ही है, किसी ना किसी तरह से रियल हो गई है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा, आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो क्लिक करवा रहा है तो भाड़ में है, लूट डालना उसको फर्जी तरीके से। जो लूटने का नियम मैंने बता रखा उस तरह से लूट देना। अब बात आती है कि जब ये एनबीएफसी अप्रूव नहीं है तो हम इससे तो लोन लेंगे नहीं। अब हमें कोई ऐप ऐसी बताओ जो ऑनली आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन प्रोवाइड करते। दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रू बैलेंस और नाबी, ट्रू बैलेंस आपको 15,000 तक का लोन और नाबी से आपको 25,000 का लोन 9 महीने के लिए घर बैठे मिल जाएगा ऑनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे। आपको कैश उस पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा मैंने और भी एप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं जो कि टेस्टेबल एप्स है, वहां से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह के मैंने लिंक दिए हुए हैं, ऑनली आधार कार्ड पैन कार्ड से भी लोन मिल जाएगा। आपको इनकम प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। मैंने सेलेक्ट एम्प्लॉयड स्टूडेंट सभी तरह के जो है लिंक दिए हुए ऐप के, वहां पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपकी जरूरत है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी, किसी भी फर्जी ऐप के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। ये आपका देखिए सिम तो डाउन नहीं करें, घर पे भी कोई आने वाला है, लेकिन ये कि अगर आपका कोई भी कॉन्टेक्ट चला गया इनके पास तो आपको ये बुरी तरह से उधेड़ कर रख देंगे कि बहुत से लोग अनोन व्यक्ति हैं, वो इसको विश्वास में डाउनलोड कर लेंगे चाहे आपको एमपी क्रेडिट को, और 7 दिन बाद कॉल आएगा कि भैया ऐसा करो लोन चुकाओ नहीं तुम्हारी कॉन्टेक्ट को या तुम्हारे मम्मी के बुआ का या तुम्हारी भाभी का ये फोटो वायरल कर दूंगा गंदा बना के। अब भैया दिमाग खराब करेंगे, आप मजबूरी में उनको पेमेंट करोगे क्योंकि आपको अपने रुपयों से ज्यादा अपनी बिजती प्यारी, आप रुपया भरोगे लेकिन क्या होता है वो तो रुपया चूसते रहते हैं और आपके पास एक लिमिट होगी रुपयों की, जब खत्म हो जाएगा फिर मजबूरी में फिर आप कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकते हो, बहुत से लोगों ने उठाए। तो ये चीज सिचुएशन ना आए, तो इसलिए मैं आपको बता दूं ऐसे ऐप के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ लूटना है तो तरीके मैंने बता रखे हैं, फर्जी आधार, फर्जी पैन, फर्जी फोन से आप लूट सकते हो, तरीके मैंने बहुत सारे वीडियो में रखे हैं, उनको चेक कर लेना, नहीं तो आप इसके चक्कर में थोड़ा बात खत्म होगी। तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।